आपके साथ दीपक भदौरिया रुख करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके आज शाम 4 बजे राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल के सदस्य सहित नवनियुक्त राज्यपाल के परिवार के लोग भी मौजूद रहेंगे। इधर शपथ लेने से पहले नवनियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके जय स्तंभ चौक स्थित शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक पहुंची, जहां उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी। अनुसुईया उइके का कहना है कि मैं छत्तीसगढ़ के विकास में पूरी तरह से यहां के लोगों को न्याय दिला सकूं, यही मेरा उद्देश्य रहेगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हेमंत शर्मा संवाददाता। हेमंत, अनुसुईया उइके आज राज्यपाल पद की शपथ लेने वाली हैं 4 बजे, क्या कुछ कार्यक्रम है और कौन कौन से मेहमान शामिल होने वाले हैं? देखिए दीपक, जो छत्तीसगढ़ की नवनियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, बस कुछ देर बाद यानी शाम 4 बजे वो राज्यपाल पद की शपथ लेंगी। जो हाईकोर्ट के बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है रामचंद्र मेनन, वो उनको शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा इस मौके पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहेंगे, और इसके साथ ही जो नवनियुक्त राज्यपाल हैं उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। आईएएस आईपीएस और तमाम जो पिछली सरकार के नेता हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात की जाए, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पहले से ही शपथ के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। राजभवन के दरबार हाल में ये पूरा जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा, और चाक चौबंद व्यवस्था वहां से पहले से ही कर ली गई थी। किसी भी आम व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को वहां पर जाने के लिए रोका जा रहा है, क्योंकि तमाम जो वीआईपी लोग हैं वहां पर मौजूद हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पूरी व्यवस्था वहां पर कर ली गई है। तमाम चाहे वो एडिशनल एसपी, सीएसपी और टीआई की बात चाहे तो सभी पुलिस विभाग के अफसरों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है, क्योंकि पूरा प्रशासन और एक तरह से देखा जाए तो पूरा जो सरकार है वो वहां पर मौजूद रहेगा। और इसके साथ ही जो अनुसुईया उइके नवनियुक्त राज्यपाल, वो दो दिन पहले ही रायपुर पहुंच चुकी थी। वो जो यहाँ पर राज्य अतिथि वहां पर रुकी हुई थी, और आज शपथ लेने के बाद नियमित रूप से अब राजभवन में वो रहेंगी। अगर शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने जो जयस्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण सिंह का स्मारक है वहां पर पहुंचकर उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी, इसके बाद वहां से सीधे माना जहां पर शहीद जवानों की याद में एक स्मारक बनाया गया वहां भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और मीडिया से बातचीत भी उन्होंने की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिला सकूं, यही मेरा उद्देश्य रहेगा। तमाम चीजों का उल्लेख भी उन्होंने किया कि शहीद वीर नारायण सिंह जैसे योद्धा और महापुरुषों की वजह से उनको लगातार प्रेरणा मिली है, और उसी प्रेरणा की बदौलत वो छत्तीसगढ़ के विकास में सहयोग प्रदान करेंगी, और लोगों के का जो न्याय रहेगा, लोगों की जो उम्मीदें रहेंगी उस पर खरा उतरने को वो काम करेंगी। तो पूरा कार्यक्रम उनका आज दिन भर का था। आज शाम 4 बजे वो शपथ लेंगे, और शपथ लेने के बाद वो नियमित रूप से राजभवन में अब रहने लगेंगे। सुनिए हेमंत, शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।